अभी जैसे तुमने कम बैक किया फेसबुक के थ्रू जी तो कैसे चल रहा है फेसबुक अभी बहुत ही बेहतरीन चल रहा है भाई मज़ा आ रहा है एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है क्या है ना कि अब अब क्या है कि कॉन्टेंट शॉर्ट कॉन्टेंट का जो है वो टाइम आ रखा है जैसा आपको पता है कि लोग रील्स बना रहे हैं मुझे कहीं लगता है कि अगर मैं रील्स पे मैं अब बैठ के अगर कंटेंट लिखता हूँ तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ठीक है मैं नहीं लिख सकता अगर मैं वही टाइम तीन मिनट चार मिनट की वीडियो लिखने जाऊँ तो एक दिन में मैं दो तीन वीडियोज लिख लेता हूँ ठीक है अगर मैंने एक दिन में दो वीडियोस लिखी तीन वीडियोस आइडिया सोचे तो और वो शूट भी बड़ी जल्दी हो जाती है मेरा टारगेट है एक वीडियो एक दिन का कि हम लोग एक दिन में एक वीडियो करते हैं और प्रॉपर भाई जैसे हम यूट्यूब की वीडियो शूट करते हैं ना बीस लोग हम वैसे ही शूट करते हैं कि बीस लोग जिसमें साउंड वाला भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते एक का भी कि ऑडियंस को ये ना बोल पाए कि यार यहाँ पे जो लिखा है वही होना चाहिए एक बंदा होता है जो चीज़ें टैली करता है एक बंदा होता है जो कॉल शीट मेंटेन करता है एक बंदा होता है जो आवाज़ सुन रहा है अगर हल्की सी भी रसल आई तो उसके लिए बताने के लिए फेसबुक और ये हो गया ना लोगों की यार फेसबुक की तो वीडियो है क्या फ़र्क पड़ता है फेसबुक की वीडियो में अगर ये पीछे दीवार ऐसी दिख रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है नहीं भाई बनाएंगे तो भाई ए वन चीज़ बनाएंगे वरना मैं घर पर खाली बैठ के टी वी देख लूँगा मेरे पास ये रहता है बस कि जब भी वीडियो बनाओ तो अपना हंड्रेड परसेंट दो ना सही बात हंड्रेड परसेंट देना ज़रूरी है तो तुम जनता को क्या कहना चाहोगे कि आजकल क्या हो गया कि जैसे टाइम बदला हाँ तो तुमने अपने प्लेटफॉर्म से ही बदले फेसबुक से यूट्यूब गए यूट्यूब से एक्टिंग में गए एक्टिंग से दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पर आए फिर एक और यूट्यूब चैनल खोला फिर अब फेसबुक खोला अब शॉर्ट की तरफ भी थोड़ा सोच रहे हो हु। तो जनता के लिए क्या एडवाइस है इस चीज़ को लेके मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में कितने अच्छे हो कई लोग होता है ना कि आते एक्टिंग के लिए लेकिन हो सकता है कि वो एडिटिंग में बहुत अच्छे हो मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो लोग एडिटर बहुत अच्छे हैं लेकिन वो फालतू में घिस रहे हैं दो तीन साल पाँच साल से कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्शन बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी वो एक्टिंग में घुसे हुए क्यों घुसे हो भाई अगर मुझे डायरेक्शन अच्छी आती है तो मैं डायरेक्शन में नाम बनाता हूँ ना कि मैं टॉप पर पहुँच जाऊँ अगर मुझे एडिटिंग अच्छी आती है तो मैं एडिटिंग में नाम बनाता हूँ मेरे कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बिठा के समझाया कि भाई तू एक बहुत बेहतरीन एडिटर है तू एडिटिंग करना और जब उन्होंने एडिटिंग करी है तो आज वो कमा भी रहे हैं पैसा और काम भी बढ़िया कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना ये समझना पड़ेगा कि हमारा नीच क्या है कि हमें स्टार्ट हमने हमें एडिटिंग में काम मजा आता है दिखता है ना अगर आप एक्टिंग कर रहे हो और आप एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहे हो तो वो ऑडियंस भी तो बोल रही है कि भाई एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा है तू तु। चलो तो तुमने शौक पूरा कर लिया दो साल कर लिया शौक़ पूरा अब तो समझ जाना चाहिए तुम्हें कि हाँ भाई मेरी एडिटिंग अच्छी है लोग एडिटिंग की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आपको तो पहली वीडियो पे लोग बोल रहे हैं कि इसकी एडिटिंग अच्छी है पर एक्टिंग खराब है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा नीच क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ये गोल है कि फ्यूचर में मुझे ये काम करना है वो समझना जो है ना वहाँ जिस दिन समझ गए कि हाँ मेरे को डायरेक्शन करनी है तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे हर आदमी हो सकता है ना भाई हर आदमी के अंदर एक खूबी है जितने लोग हैं ना हमारे आसपास सबके सब अंदर एक खूबी है बिल्कुल वो खूबी बस पहचानने की दे रहा है और बस देखो

क्या करते हैं ना लोग कि हाँ हुँ. मतलब मैं अपना इंडिविजुअल होता हूँ मुझे भी ये लगता था हुँ. कि यार मैं जितना पैसा कमा लूँ ना मैं सारा पैसा अपनी अगली वीडियो में लगा दूंगा हुँ. अपनी जेब से भी लगा दूंगा और फिर मैं बैठ के सोचता था कि यार अब क्या करूं <laughs> <laughs> पैसा लगा दिया सारा लोग कह रहे हैं कि मजा नहीं आया लोग तो बोल के चले गए दो महीने मैंने कहानी लिखी दो महीने इतने लोगों को मैंने जोड़ा सब कुछ बढ़िया करा इतना पैसा ही फूक दिया ब्रांड से पैसा इतना आया डबल लगा दिया और अब लोग कह रहे हैं भाई मजा नहीं आया नहीं। अब कहा से दू वो मजा कैसे दू मजा सही बात है ना तो ठीक है थोड़ा बचाओ अपने लिए भी आगे फ्यूचर के लिए भी सोचना जरूरी है शॉर्ट कंटेंट का ठीक है तो, अच्छा, तो तुम्हारा क्या कहना है लॉन्ग शॉर्ट में जैसे हर कोई एडवाइस देता है तुमसे पूछना चाहता हूँ लॉन्ग वर्सिज शॉर्ट में तुम्हारी एडवाइस है बहुत अलग है ना देखो लॉन्ग फॉर्मेट बहुत अलग है मैं ये कहता हूँ कि जो शॉर्ट कॉन्टेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं ना उनका क्या है कि उनको वो काम करने मज़ा आ रहा है और वो उनका काम है ठीक है हमारा नहीं मुझे नहीं लगता कि मेरे को शॉर्ट कंटेंट सोच के बनाना चाहिए मुझे ये लगता है कि शॉर्ट कंटेंट हमने बात करी मैं जैसे बात कर रहा हूँ ह्यूमर है जो मेरे अंदर बस मैं वो रिकॉर्ड करा और मैंने वो अपलोड कर दिया तो मेरे लिए शॉर्ट कंटेंट इतना ही है मेरे को नहीं करनी शॉर्ट कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैं मेहनत करने बैठू तो एक ऐसी चीज़ पे मेहनत करूँ जो थोड़ा लगे ना कि इस पर काम करा है।, नहीं। लिखता हूं मैं भी है तो अब मैं उनको समझा नहीं सकता कि भाई मेरा काम मैं करना नहीं चाहता नहीं करना मेरे को क्यों बनाऊ में बोल भाई वही बात है ना कि क्रिंज वाली बातें है की ये क्रिंज है वो क्रिंज है क्रिंज की डेफिनेशन ही नहीं पता ना लोगों को सही बात क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं है कई तो

तो बोलता रहे मुझे अगर फर्क पड़ रहा है तो मैं चेंज करूंगा नहीं पड़ रहा है तो बदलने का आप देखेगा कोई नहीं देखेगा भाई क्यों और वो तो अगर मतलब बनाता है ना बंद हो पुनी तो वीडियो बनानी शुरू कर दे तो गालियां इतनी पड़ेगी यार मैं अभी बनाऊंगा मुझे दस लोग अभी चमकाना शुरू कर दे लेकिन वहीं पे उसको लोड लोड करेंगे तो यही फर्क है क्योंकि उसका ओरिजिनल है ना उसका रॉ है वो इंसान वही है मैं वो मुझे लोगों को पता है ना कि मैं क्या हूं। समझो मैं मैं क्या हूं, मैं क्या कैसे बात करता हूँ मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ ये मैंने लोगों को खुद डाला है ना दिमाग में अब अचानक एक दिन मैं खड़ा हो जाता हूँ कि क्या बस लोग बोलेंगे कि बस <laughs> लग गई बेटे हवा तेरे को तुरंत उतारेंगे धरती पर ले आएंगे बिल्कुल uh,